Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова जय हिंद वॉरियर्स। वेलकम टू एम बाइब अचीवर नेटवर्क आई एम रोहित ठाकुर एवरी आर वेलकम ऑल टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स वन सेकंड चलिए वे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें एंड वॉरियर्यर्य जिन्होंने अभी तक एम बाइप की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है एम वाइप की डाउनलोड करिए जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ जैसे ही आप अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं बुक्स आप लोगों के लिए वहां पे मौजूद है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट भी आप लोग जो है वहां पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं चलिए भाई शाबाश जल्दी जल्दी सबके सब आ जाएंगे भाई लाइक like और शेयर जो है सेशन को एक बार अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर दीजिए सेशन आज का स्टार्ट करेंगे सबसे पहले करते हैं हम रोज की तरह रिवीजन पहला क्वेश्चन रिवीजन का आपके सामने है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ राज मार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय एन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है राजमार्ग यात्रा जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था लॉन्च करी गई है आपको बताना है उसका मेन मकसद क्या है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका चलिए विशाभाष जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वेरी गुड <clears> Hanji, <throat> very very important to provide real time traffic updates and navigation assistance to highway users, to promote local cuisine and cultural experiences along the national highway, to offer language translation services of travelers from different regions, to facilitate online booking of hotels. एंड एकोमोडेशन नियर दी नेशनल हाईवे वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी क्वेश्चन चलिए भाई शाबाश बिल्कुल सही आंसर बेसिकली जो है रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट जो है प्रोवाइड करेगा हाईवे यूजर्स को नेक्स्ट क्वेश्चन हेलियोलिंक थ्री डी आपको बताना है क्या है भाई हांजी हेलियोलिंक थ्री डी के बारे में हमने डिस्कस किया था यह न्यूली न्यू स्पेस मिशन है जो नासा ने लॉन्च किया है आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप है यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड नेबुला या फिर एक एडवांस सॉफ्टवेयर है जो थ्री डी विजुलाइजेशन और एनालिसिस करता है सोलर फिनोमेना की या फिर एक रेवोल्यूशनरी स्पेस क्राफ्ट है डिजाइन फॉर इंटरस्टेलर ट्रेवल चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बिल्कुल सही आंसर है बेसिकली जो है ये एडवांस सॉफ्टवेयर टूल है फॉर थ्री डी विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ सोलर फिनोमिना जो हमारे स्पेस में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान दीजिएगा व्हिच कंट्रीज व्हिच कंट्री हैव रिसेंटली एसर्टेड देयर सोल ओनरशिप फॉर दी डिस्प्यूटेड आर एश दोरा गैस फील्ड अ रिच रिसोर्स बेसिकली जहां पे ऑफ एरिया में जो है लोकेटेड है जो कि ईरान क्लेम करता है कि उनका भी यहां पे पार्ट है आपको बताना है कौन सी कंट्री जो है अपनी सोल ओनरशिप यहां पे बताती है चलिए शाबाश जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वेरी गुड एवरी वन हाँ जी चलिए वेरी गुड हां जी बिल्कुल सही आंसर है सऊदी अरेबिया एंड कुवैत जो है अपनी ओनरशिप यहां पे मांगता है इनके डिक्लाइन करने के बाद भी जो है एक्सप्लोर जो है ईरान इसको कर रहा भाई, 7th से जो है स्टार्ट होने जा रही है एम पे प्लीज इसको रेगुलरली आप ज्वाइन कर सकते हैं एम बाई यूट्यूब चैनल पे डिफेंस के बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लीज ज्वाइन करिए सात अगस्त से एंड सिमिलरली अचीवर सीरीज जो है आप लोगों के लिए एम्बाइब की एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट हो रही है 7 अगस्त से 3 सितंबर तक टारगेट किया जाएगा सीडीएस 2023 एग्जाम अगर आपने ये अचीवर सीरीज लगा ली आई गारंटी यू आप 100 परसेंट अपना रिटर्न एग्जाम निकालोगे चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने वट इज दर्पज ऑफ द आयुष वेजा इंट्रोड्यूस्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन इंडिया हाँ जी चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए हाँ जी आयुष विजा जो है किस चीज के लिए है बिल्कुल सही है भाई ये आपको ध्यान रखना है टू फैसिलिटेट मेडिकल टूरिज्म ऑफरिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम तो इसके लिए जो है ये लाया गया है मेडिकल टूरिज्म से क्या होगा भारत में काफी ज्यादा जो है दूर दूर से अलग अलग देशों से जो लोग आएंगे ट्रीटमेंट के लिए उससे भारत को बहुत फायदा होगा अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स हु इंट्रोड्यूस दी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स पी आर पी बिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन राज्यसभा किसने इंट्रोड्यूस किया है नरेंद्र मोदी साहब ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर या फिर रामनाथ कोविंद जी जी <coughs> बिल्कुल सही है अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रीसेंट अनाउंसमेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां पर जो है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो भारतीय सेना यूएसए की सेना के साथ करती है वो आपको बतानी है कहां पर जो है कंडक्ट करवाई जा रही है हाँ जी बिल्कुल सही है अलास्का जो है आपको ध्यान रखना है अलास्का में जो है ये कंडक्ट करवाई जाएगी वेरी गुड अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मेजर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 रिसेंटली पास्ड बाय पार्लियामेंट क्या है बेसिक मोटो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रिवेंट नेटिव फोना बाई सिटू कंजर्वेशन सेफ गार्डिंग वेटलैंड प्रोटेक्टिंग वर्चर्स या फिर एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बेस्ड मेडिसिन जी चले भाई जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश सही आंसर क्या होगा इसका हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है बेसिकली इसका जो मेन मकसद है दैट इज टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बेस्ड मेडिसिन ये आपको ध्यान में रखना है चलिए भाई अब लाइक और शेयर सेशन जल्दी-जल्दी कर दीजिए आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे पहली न्यूज़ आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे सब, सब भाई नोट डाउन प्लीज करते चलिएगा ICAR IIRR लॉन्चेस भूविजन रेवल्यूशनरी कृषि रस्ता सोइल टेस्टिंग सिस्टम तो यह आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है अरेवल्यूशनरी आईओ टी बेस्ड ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म दे हैव बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड भू विजन ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या नाम है उसका भू विजन विच इज विच वॉज ऑफिशली लॉन्च बाई ए आई सी आर पी

तो एग्जाम में भाई देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भू विजन देखो नाम से ही पता लग रहा है भू विजन मतलब भू होता है ज़मीन ज़मीन को विज़न देखना एक तरीके से टेस्ट करना तो क्या करेगा ये सॉइल को जो है मापेगा उसके टेस्ट करेगा किस तरीके की जो है सॉइल है उसके बेसिकली 12 की सॉइल पैरामीटर्स है जो कि 30 मिनट में ये कंप्लीट कर देगा इसका नाम है भू विजन ठीक है किसने डेवलप किया है आपको ये ध्यान रखना आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च ने जॉइंटली इसको डेवलप किया है कृषि तंत्रा ने भी इसमें अपना योगदान निभाया है आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स इट प्रोवाइड्स क्विक एंड एक्यूरेट रिजल्ट डायरेक्टली टू फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर्स थ्रू अ सोइल हेल्थ कार्ड ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस मोबाइल डिवाइसेस में क्या है ये क्या बता देगा भाई सॉइल की हेल्थ जो है ये बता देगा किस तरीके की सॉइल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च रिसर्च्लिश्ड एज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन 1965। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखनी है इसका हेडक्वार्टर कहां हैदराबाद है। है में जो है ये मौजूद है अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे ध्यान देंगे सबके सब, के सब। अगेन इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स नेशनल हाईवे बेसिकली हम पहले भी इसको कवर कर चुके हैं थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इस न्यूज को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा फॉर नेशनल हाईवे यूजर्स पहले भी हम कर चुके हैं सबको मालूम होगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजमार्ग यात्रा किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है एनएचएआई ने जो है इसको लॉन्च किया है इसका बेसिकली मेन uh, मोटिव क्या रहेगा ये जो है हाईवे में जो ट्रैफिक रहेगा उसको बेसिकली ये बताएगा एनएचआई लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा एक्सपीरियंस ऑन देशनल हाईवे राजमार्ग यात्रा सर्व दिपोजिट्री फॉर एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन नेशनल हाईवे यूजर्स यूजर्स कैन गेट रियल टाइम वेदर कंडीशन टाइमली ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन एक्सेस टू डिटेल्स अबाउट नियर बाई टोल प्लाजा पेट्रोल पम्प हॉस्पिटल होटल्स अदर एसेंशियल सर्विसेज दैट इंश्योर सीमलेस एंड सेफ जर्नी ऑन दी नेशनल हाईवे तो बहुत बड़ा कदम जो है उठाया गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आपके लिए बन जाती है अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे सी एस आई आर एन एल डेवलप्स एयरबोर्ट टू रिमूव वीड फ्रॉम लेक्स प्लीज ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है एन एल दैट इज नेशनल एरोनोटिकल लेबोरेटरीज ने इंडियन साउंड साउंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज सी एस आई आर के साथ मिलकर जो है उन्होंने एक एयरबोट डेवलप करी है जो कि क्या करेगी जो वीड्स होती है लेक्स में आपने जब ट्रैवल किया होगा तो सड़क से ट्रैवल करते टाइम आपने बहुत लेक्स देखी होती होगी लेकिन उसके ऊपर वीड ही वीड जमा होती है ठीक है उसमें या फिर एक एलगे टाइप जमा हुआ होता है या फिर प्लांट्स लगे होते हैं अननेसेसरी प्लांट्स जिसकी वजह से जो लेक की न्यूट्रिय भी जो है उसको मार देते हैं उसमें जो है फिशेज भी अच्छे से जो है ब्रीड uh, नहीं कर पाती नहीं रह पाती तो अब जो है ये जो बोट है बेसिकली ये क्या करेगी उस वीड uh, को जो है रिमूव करेगी तो ये ध्यान रखना है आपको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु रिसेंटली अनवील्ड जल दोस्त एंड एयरबोट दैट रिमूव्स एक्वेटिक वीड्स फ्रॉम दी लेक एंड रिवर्स तो देख सकते हैं आप लोग कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है है ये बन जाती है. नाम आपको ध्यान रखना है नाम क्या है जल दोस्त जो है इंजन द टेक्नोलॉजी इज डेवलप इन अ वे दैट जल दोस्त वाइल नेविगेटिंग ऑन दी वॉटर बॉडीज विल नॉट सिंक आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स जल दोस्त के बारे में देखते हैं क्या है Jaldos is an airboat that operates on water. Jaldos is designed to remove excess aquatic weed and floating waste from water bodies. Jaldos has a closed airtight pontoon type hull to make it inherently insinkable. According to NAL, it has, been, it has a hybrid propulsion system comprising air propulsion and pedal wheel propulsion.

प्लीज ध्यान रखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज वॉरियर्स डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है आफ्टर अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स इन बिहार द स्टेट गवर्नमेंट इज नाउ ऑल सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ राइनो टास्क फोर्स फॉर सजेस्टिंग मेजर्स फॉर री ऑफ टेरेस्ट्रियल मेमल्स इन दी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट कमिटी वॉज सेटअप टू एसे सिक्योरिटी कंडीशन इन दी टी आर एंड टू सजेस्ट मेजर फॉर रिंट्रोडक्शन ऑफ राइनोज इन द रिजर्व फॉर टू ईयर्स बैक तो बेसिक आपको चीज ध्यान रखनी है बिहार टू कॉन्स्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मतलब राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रीन प्रोडेक्टोड्यूस करने के लिए जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में वहां पे जो है इनको राइनोस को लाया जाएगा एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है भाई किस रिजर्व में टाइगर रिजर्व में जो है राइनो टास्क फोर्स को जो है इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है राइनो टास्क फोर्स ध्यान रखेंगे सबके सब, सब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो कि वेस्ट चंपारण में मौजूद है

हाँ जी रेयर आइंस्टाइन क्रॉस डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स अ स्टनिंग रेयर एग्जांपल ऑफ आइंस्टाइन क्रॉस स्प्लिटिंग एंड मैग्निफाइंग लाइट फ्रॉम द फार डेप्थ ऑफ द यूनिवर्स आइंस्टाइन प्रोडेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ दी क्रॉसेज बैक इन नाइनटीन तो ये आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली क्या चीज जो है डिस्कवर करी गई है एक रेयर फिनमिना आइंस्टाइन क्रॉस जो है स्पेस में डिस्कवर करा गया है Einstein theory of general relativity describes the way massive objects wrap the fabric of universe called space-time. The latest Einstein cross has some interesting statistic, The main galaxy doing the lensing lies about 5.998 billion light years away. The distant galaxy that its lensing is more than. अप्रॉक्सिमेटली इलेवन पॉइंट इंफॉर्मेशन है आपको ध्यान क्या रखना है क्या चीज जो है मेजर करी गई है वो है आइंस्टाइन क्रॉस अब आइंस्टाइन क्रॉस के बारे में आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए वेना मेसिव गैलेक्सी सिट्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मोर डिस्टेंट बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट सच एज गैलेक्सी और अ क्वासार जिसको हम बोलते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर अराउंड द गैलेक्सी एंड इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बेंड द लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इट पास बाई तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से जो है ये फिनमिना होता है ये आपको ध्यान रखना है इन दिस केस अर्थ द लेंसिंग गैलेक्सी एंडसार है अलाइंड टू परफेक्टली डुप्लीकेट द्वासार लाइट अरेंजिंग दैम अलोंग अल्ड जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन रिंग ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अब देखो भाई वाई आइंस्टाइन क्रॉस जो है इतना रेयर क्यों है बिकॉज इट टर्न आउट दैट ग्रेविटेशनल लेंसिंग हैपन्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स मोस्टली इन फॉर्म ऑफ वीक लेंसिंग क्रिएटिंग आइंस्टाइन क्रॉस रिक्वायर्स अ प्रेसाइस अलाइनमेंट ऑफ लेंसिंग बॉडी एंड लाइट सोर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स रेफर टू दिस हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है भाई इट अकर्स वेन मेसिफ सेल बॉडी गैलेक्सी जो है हम किसी भी टेलीस्कोप से जिसको देखते हैं गैलेक्सी का क्लस्टर जो है वो कॉज करता है कर्वेचर ऑफ ऑफ स्पेस टाइम फ्रॉम पाथ लाइट अराउंड इट विजिबली बेंट एज इफ बाय लेंस ये आपको जो है ध्यान में रखना है उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं क्लियर है सबको हाँ जी एक बार कमेंट करके बताइए भाई शाबाश जिससे कि क्या होता है एक तरीके से लेंस जो है उस गैलेक्सी के अराउंड जो है एक फॉर्म होता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स चलिए भाई नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं इंडिया लॉन्चेस निराक्षी ऑटोनॉमस ंडर वॉटर वहीकल फॉर माइंड डिटेक्शन देखो भाई यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन में बन सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने जो है क्या चीज लॉन्च करी है कि जो अंडर वॉटर वहीकल जो है बेसिकली माइंड डिटेक्शन कर सकता है तो निराक्षी उसका नाम है आपको ध्यान रखना है इंडिया रिसेंटली लॉन्च निराक्षी ऑटोनॉमस वॉटर वहीकल जिसका नाम निराक्षी रखा गया है जो कि क्या करेगा जिसका मतलब होता है आइज अंडर इन दी वॉटर निराक्षी मतलब पानी के अंदर आंखें पानी के अंदर जो है माइंड जो है ये अब डिटेक्ट कर पाएगा

डेवलप किया गया है क्लियर है सबको हाँ जी चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश बिल्कुल इट कैन बी यूज फॉर वराइटी सर्वे तो बेसिक फंडा जो है आपको निराक्षर का मालूम होना चाहिए पानी के अंदर आंखें इसका मतलब होता है इसको जो है इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय सेना द्वारा टेस्ट किया गया है कि पानी के अंदर जो अगर माइन्स लगी है उसको ये डिस्पोज ऑफ कर सके ये आपको ध्यान रखना है इट इज इट इज बेसिकली टू पॉइंट लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनमैंड अलॉन्टर एंड वेराउंडली फोर आवर्स एंड इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अप टू डेप्थ ऑफ थ्री हंड्रेड मीटर यह आपको ध्यान रखना है क्लियर है चलिए भाई वेरी गुड अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड अदिति स्वामी बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू क्लिंचिप यह आपको जो है ध्यान में रखना है इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में जो है किसने भारत को जो है नंबर वन पे फर्स्ट इंडियन है बेसिकली जो जीते हैं ये आपको ध्यान रखना है स्वामी रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग दर्स्ट अवर इंडियन टू क्लिंस द इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप फाइनल इल

अगेन अ रिमाइंडर जिन्होंने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा अब आता है फेवरेट टाइम रिवीजन करेंगे सबके सब, सब. चलिए भाई पहला क्वेश्चन ICAR IIRR रिसेंटली लॉन्च्ड विज़न जिसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको एक ऑटोमेटेड प्लेटफार्म है किस चीज के ऊपर जो है भाई फोकस करता है चलिए शाबाश एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर सॉइल टेस्टिंग के ऊपर देखो भाई आंख बंद करके आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए बिल्कुल सही है सोइल टेस्टिंग जो है ये करता है अगला क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग मेजरली एमिंग टू इंप्रूव इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कहां पर जो है ये यूजर का एक्सपीरियंस एनरिच करेगा अच्छा बना देगा ये आपको बताना है चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बिल्कुल सही है नेशनल हाईवे में जो है ये चीजें आसान कर देगा राजमार्ग यात्रा अगला तो क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनवील्ड जल दोस्त एयरबोट दैट रिमूव्स एक्वाटिक वीट फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स चलिए भाई वेरी गुड जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बहुत आसान वॉरियर्स बहुत ज्यादा बिल्कुल सही है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने जो है इसके साथ कोलैब करके इसको बनाया है अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंसड टू कॉन्स्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स फॉर री ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम चलिए भाई अगेन इजी क्वेश्चन बिल्कुल सही है बिहार में जो है ये री इंट्रोड्यूस किया जाएगा राइनोस को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स अ स्टनिंग रेयर एग्जांपल ऑफ आइंस्टाइन क्रॉस दिस फिनोमेना मेजरली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैसे जो है किसके बेसिस पे जो है ये आइंस्टाइन क्रॉस जो है देखा है स्पेस में बिल्कुल सही आंसर सोलर लेंसिंग ब्लैक होल कोरोनल मास रिजेक्शन बट सही क्या होगा आपका ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है बिल्कुल सही होगा निराक्षी जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है क्या चीज है निराक्षी आइस इन वॉटर जिसका मतलब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या है एक क्या है ये माइंड डिटेक्शन व्हीकल लैंड माइंड डिटेक्शन व्हीकल अंडर वॉटर माइंड व्हीकल अंडर वाटर माइंड डिटेक्शन ड्रोन चलिए कमेंट अंडर वाटर माइंड डिटेक्शन व्हीकल अगला इंडियन टू क्लेस द इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हां जी कौन सी पहली भारतीय है जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है आपको बताना है चलिए विशाभा बिल्कुल सही आंसर अदिति गोपीचंद स्वामी बिल्कुल सही है वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपोर्टेंट करना आज के में से, हम कर चुके हैं कर है, पूरी एग्जाम कैटेगरी हम हमेशा कवर करते हैं डेली करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है और साथ ही साथ पराक्रम सीरीज वॉरियर्स यूट्यूब में अब सात अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है आप इसको रेगुलरली ज्वाइन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग सीडीएस एग्जाम के लिए सिमिलरली जो है यही सीरीज आपकी जो है अचीवर सीरीज है जो कि एम ऐप में स्टार्ट हो चुकी है फ्री ऑफ कॉस्ट एम की के एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए सिमिलरली एस एस बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप उनके बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है एम बाई डिफेंस एम बाई बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम एम बाई एस एस सी एंड रेलवे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा है आप डायरेक्टली जो है इनको ज्वाइन कर सकते हैं तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही टेक केयर कीप इज बेटर देन लर्निंग जय हिंद की Keep imbibing. We believe in you.